अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सईद अस्लम। और इस वक्त हम आपको बाइक का इंजन रिपेयर करने का तरीका दिखा रहे हैं। इस टाइम हम जनाब अंकल अशरफ के पास मौजूद हैं, जो कि बाइक ठीक कर रहे हैं। और ये अंकल साबिर की बाइक है, ठीक है, जो सही करवाने के लिए आए हैं यहाँ पर। सबर से बैठा है अंकल, साबर सबर से बैठा है। अच्छा, अब उसकी मंजी ठुक जानी है। सबर से बैठ रहा है, अब थोड़ी देर में उसकी मंजी ठुक जानी है, जो हमारे प्रोग्राम बढ़ जाना है। दरबार भी आ रहे हो आज? हाँ, यही सही प्रोग्राम बढ़ जाना है, प्रोग्राम बढ़ जाना है। और जनाब दरबार पे आ रहे हैं, पैसे वहां से इकट्ठे करेंगे, फिर बाइक ठीक होगी। अच्छा, ऐसे मौके पे साबिर भी मौजूद है और उमेर साहब भी। इधर देख लो जी, कैमरे की आग आपको देख रही है और आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका इशू क्या जी अंकल जी? साबिर का मालिक है, साबिर मैकेनिक है। हाँ, ये भी सही है। ये साबिर जो है ये मैकेनिक है और वो साबिर जो है वो मालिक है। वकील कहना देखो जी, इधर भी कंबो, इधर भी कंबो, वकील भी कंबो, दूसरा वकील भी कंबो, मुतैबी कंबो, मुलजम भी कंबो, दोनों वकील भी कंबो, जज नू कहता है। अंकल जी, ये पहली बार ओपन हुआ? पहली बार प्यार की है जी। अच्छा, पहली बार। ये 2013 मॉडल है? ये 2014 मॉडल है। 14 मॉडल का जी। छापर ही पड़ी है। प्राइडर बाइक है। ये 1100 के बाद चला है। जान जी, अब इंजन इनको चलाएगा, बना कोई ननकला निकलेगा। क्योंकि आप इनको इन्होंने उल्टा कर दिया ताकि जो है ये सारा का सारा ऑयल निकल सके। अब लग वेला सिमट हो के लाया है। क्या था ये थी आज से सिमट हो गई है? क्या बैरंग है? हां, चोकड़े ना चोकड़े चोकड़े तो लंबा का साबिर भाई। तो देखें आप, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो यहाँ पर आकर अपनी बाइक का जो है इंजन रिपेयर करवाएं। खालेवाल में शॉप जो है वो चंचा बस्ती मौजूद है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया जाता है, तसल्ली बख्श काम। अंकल जी, अंकल इसका फॉल्ट क्या है, आप बता सकते हैं? मेरा फॉल्ट है, बैरिंग खराब है, रॉड खराब है, रिंग पिस्टन खराब है। अच्छा, मतलब काफी सारा खर्चा हो जाएगा। वो चौकीदार है, चौकीदार है। ये कितनी देर में आप ये जो है टास्क कंप्लीट करेंगे? कल होगा, आज नहीं होगा, परसों। कल छुट्टी है, मतलब परसों का मतलब इनका ये है कि 15 से 20 मिनट के अंदर इंजन को बिल्कुल रेडी कर देंगे। ओनर की जो है वो जो इस टाइम आपके सामने नजर आ रही है वो परेशानी में है, ये पता नहीं क्या होगा। आज दूसरी जाने बहुत ज्यादा शोर किया जा रहा है क्योंकि साथ जो है वो टेंटी की दुकान है। और जो आपका मेज़बान है वो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, जो कि आपको बाइक का इंजन रिपेयर करते हुए नज़र आ रहा है। अभी मैं मतलब कि सो के उठा था तो मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको आगे दिखाते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं बाइक के साथ, इंजन के साथ। चाबी उठे लाओ।
अंकल ये क्या चक्कर है इसके अंदर, ये जो स्प्रिंग है क्लच क्लच बक्सा क्लच बॉक्स बोलते हैं बाबा लाल शाह एक्चुअली में उसका बेटा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने वाली है आज की, तो हम इनके साथ इधर मौजूद रहेंगे, पूरा बाइक का इंजन कंप्लीट कराएंगे, कोशिश करेंगे कोई काम ना हो हमारे पास हो। ये वो बाइक है होंडा राइडर जिसपे जिसका हम लोग यहाँ पे काम करवा रहे हैं। सात मिनट हो गए भाई, 7 मिनट और लगने, 10 मिनट और लगने, 7 मिनट ही। लो जी मेरे ख्याल में इतना फास्ट इंजन खोलता भी कोई नहीं होगा मेरे, क्या कहते हो ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, ये जबरदस्त उस्ताद अशरफ साहब बहुत पुराने हैं। अच्छा, तो बहुत जबरदस्त काम इनका। आप मुतमईन हैं इनके काम से? बहुत मुतमईन है, काम भी जबरदस्त है। और पैसों की तरफ से? पैसों की कभी नहीं मांगा, जो भी आप देखे जी, आप इनकी तारीफ लोगों से भी सुन रहे हैं, ये फीस भी लिल्ला काम करने वाले बंदे। हाजी साहब लाल, हाजी साहब ये बरवा हुआ फीस भी लिल्ला वाला, ये मैं क्या बरवाएगा फीस भी लिल्ला, इन्हें कल नुकाट के मैं तुझे क्या फीस भी लिल्ला करूँगा पैसे मांगने, इन्हें क्या मेरे का वीडियो है कि ये वीडियो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं ये इसको लाइव करने वाला हूँ, ये लाइव हो रही है इस टाइम में मेरी रेलवे की मोटर ट्रालियों का भी काम करते रेलवे की ट्रालियों का भी काम करते हो आप? मोटर ट्रालियों का। अच्छा, आप वो जो स्प्रे वाली होती है वो भी कर लेते? वो भी सही कर लेते, तो मतलब कि जो FBR का मुलाजम जी लाओ यहाँ पे, इनसे सारी रिटर्न लो, इससे पहले मरवाएगा टैक्स लगा देना मैं। ये देखें जी, इन्होंने सारी है बाइक को इंजन को खाली कर दिया, राइडर से पूरा टबर बैठ के मुल्तान जा रहे हैं, और जबरदस्त स्मूथ बाइक है, ऐसे जैसे मेहरान पे जा रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे कोई शोर शराबा नहीं? कोई शोर शराबा नहीं, कोई जंप नहीं, जबरदस्त। अच्छा, राइड इंजन तो खुशी से वैसे खुलवाया, वैसे ही दौड़ दौड़ पुराना हो गया, नया करवा ले इसको। नहीं तो इशू क्या आ रहा था अंकल जी आपकी बाइक का? तीसरा गियर वाज करता थी जी, तीसरा गियर वाज करता थी, नहीं चलाने तो जी रहे हैं, करता थी या नहीं करता थी? पेट्रोल पर देख ले आप जो भी सके, ये नहीं पता, सारी करारियां डाल दो, नहीं पता इन सारा पता है, सारी गरारियां नहीं डाल दें बाइक का, बिल्कुल इंजन फ्रेश कर दे, अंकल साबिर भी फ्रेश हो जाएंगे।
इसको सिलेंडर बोलते हैं जी, इसको हेड बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अच्छा सिलेंडर हो गया तेरे थल्ले, सिलेंडर वो नीचे पड़ा आपके, ये सिलेंडर है जी। अच्छा तो इसको अंकल ये क्या चीज होती है? ये बाल होते हैं। बाल कितने बाल होते हैं? दिल के बाल। दिल के तो 6 बाल होते हैं, इसके कितने बाल हैं? दो बाल। इसके 2 बाल हैं। टैपेड बाल, टैपेड बाल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाल अगर हम लोग इसका बोर करवा लें तो फिर इसका फायदा होता क्या? लड़ाई रही है। क्या क्या फायदा होता है इसका? है ये जो है बाल का प्रेशर बढ़ जाता, प्रेशर बढ़ता है, पेट्रोल कम पीती है बाइक, इग्निशन सिस्टम जो है इसका अच्छा हो जाता है, मोटरसाइकिल कार बन जाती है, पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से। देखिए 11 मिनट और 5 सेकंड हुए हैं, इन्होंने माशाल्लाह बाइक का इंजन सारा खोल दिया है और उम्मीद है कि नई करारियां भी डाल देंगे ये। और इस रुमाल से इसको साफ करना है। अच्छा ये VIP लाए हैं इसके लिए स्पेशल। आप लेके आए हो जी? आप लेके आए? खुद लेके आए। वाह जी वाह, काम कर रहे हैं लंडे खराब है, तीसरे के लिए बड़ी भी खराब है छोटी भी। उस्ताद और शागिर्द दोनों जो है आपस में मशावरत कर रहे हैं और डायग्नोज कर रहे हैं कि कौन सी गरारी जो है वो ख़राब है और कौन सी गरारी सही है, ताकि ये ज़्यादा खर्चा ना करवाएं। जो भी अनाड़ी मैकेनिक होता है वो यही कहता है जी सारी पा दो नहीं है। अब देखते हैं जी ये क्या कहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि कौन सी ख़राब है और कौन सी नहीं। अंकल जी आपने क्या क्या मतलब कि तशखीस की है इसकी, कौन सा खराब लग रही है? अच्छा किन्ना किया? 12 करके ना ते कंप्यूटर दा कोर्स किया। मुंडा भी गया रह गया। एयरफोर्स गया है ना तू? नेवी च। पहले कितने गया थी? पहले नेवी च गया। पहले भी? पहले नेवी च गया हूँ एयरफोर्स। ठोक दे नू, ठोक दे पढ़ के। नहीं वो तो भूल गया ना। यहाँ पर काम जो है बहुत तसल्ली बख्श से किया जाता है, तसल्ली बख्श काम किया जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ बहुत ही मुनासिब कीमत पे किया जाता है और फीस सबीलिल्लाह भी किया जाता है। अगर किसी के पास कुछ सामान नहीं है तो अंकल अशरफ सामान भी अपनी जेब से डाल के दे सकते हैं। खाने वाल में ये दुकान मौजूद है जहाँ पर अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं। मैंने पहले क्या था खोला बनिया नहीं था। है तो मुंडा साडा बस जल्दी कर लेता अच्छा। ये भी अंकल गलती है, इसको पहले खोल लेना चाहिए। हाँ तो चल हमने खोली अंदर वे। अच्छा तो हमने खोल ली, खोल लो ले जी। अब ये एक ऐसी एडवाइस है कि कोई भी मैकेनिक जो है इसको पहले ही जो ऑयल वाले साइड है जो टैपेट वाली और ऑयल वाली इसको पहले ही खोल के ना रख ली। ऑयल भी इसी में से निकलते हैं जी। लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि फीस बिलीला काम किया जाता है जी यहाँ पे, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैसेज आ रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही है तो वो लोग कह रहे हैं वो फीस भी लगा देते हैं। अच्छा जो इंजन का जो छोटा मोटा फॉल्ट होता है वो फीस भी लगा। आजकल लोगों के पीछे वो एक बाबा मुक्का मार रहा है वो भी सिर पे खड़ा हो शाह देव। अच्छा अंकल का एक टिकटॉक अकाउंट भी है जहाँ पर ये लोग जो है अपनी वीडियो पोस्ट करते होंगे। ऐसे मुकाबला भी है चुगला वीडियो बहुत ज्यादा है। ओए कावला कितने देना था।